लड़की तो साला सबके साथ ही खेलती है, लेकिन असली प्लेयर वही चाहिए जो जिंदगी के साथ खेले। कैसे लगे पिक्चर भैया? मूवी एक नंबर लगी हमको। क्या क्या अच्छा लगा ये बताओ। सब कुछ अच्छा लगा मूवी में, कहानी, एक्शन, विद्युत, क्या अच्छा, क्या क्या अच्छा लगा ये बताओ। सबसे अच्छी उनकी बॉडी, विद्युत भाई की बॉडी, एक्शन, एक्शन विद्युत भाई की बॉडी भी अच्छी थी, और वो हीरो का नाम क्या था, अर्जुन राम था, उनकी बॉडी भी एक नंबर थी। कहानी कैसी, क्या लगी कहानी? एक नंबर थी। गेम, गेम, एक्शन सीन्स के बारे में क्या कहोगे? एक नंबर, एकदम एक्शन थे, एकदम धमाकेदार। पैसा वसूल हुआ कि नहीं? पैसा वसूल हो गया सर। कैसे लगी क्रेक? अच्छी मूवी थी। एक्शन कैसा गया था? एक्शन भी बढ़िया था, जैसे गेम के ऊपर बेस थी, बैट बैग्स, हॉलीवुड की जो मूवी होती है ना गेम्स के ऊपर, जी जी जी, वैसी थी थोड़ी सी। विद्युत जम्वाल का काम कैसा लगा? काम भी अच्छा था, और जो उनके खास जाने जाते हैं एक्शन के लिए, तो इस फिल्म में उनका एक्शन कितना अलग, कितना यूनिक था? बहुत अच्छा एक्शन था जी, एक्शन बेस्ड मूवी थी पूरी उनकी। जी जी जी। और अर्जुन रामपाल का काम कैसा लगा? उनकी भी अच्छी थी एक्टिंग। फिल्म कहीं बोर तो नहीं करती? नहीं, बोर नहीं करती है। वन टाइम वॉच है? हाँ, वन टाइम वॉच है। अच्छा लगा फिल्म में? बाकी तो एक्शन बहुत सही लगा, क्योंकि बाकी जो फिल्म है विद्युत की, हाँ, जैसे जंगली हो गए, कमांडो हो गए, जी जी जी, तो उनसे बेहतर है। और नोरा को भी, नोरा को, नोरा फतेह को अपन ने पहले एक्टिंग करते हुए देखा है, डांस करते हुए देखा है, डांस एक्टिंग करते देखा हुआ है। बाकी एमी जैक्सन भी बहुत सही है। कहानी कैसी लगी, पसंद आई? स्टोरी सही है, जो स्कॉट गेम से इंस्पायर की है जी, उससे मेरी स्टोरी सही है। जो एक्शन फिल्मों के फैंस है उन्हें पसंद आएगी ये मूवी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। जिस जंगली थी ना अपनी, हाँ, उसको इंस्पायर की, मतलब जो अवार्ड मिला था उसे काफी तो अवार्ड मिलना चाहिए। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी, मैं रिकमेंड करूंगा कि देखनी चाहिए मूवी। जी जी, क्या क्या अच्छा लगा फिल्म में आपको? मतलब हीरो, डांस से लेके, सॉन्ग से लेके सब अच्छा लगा। विलेन का जो उसने निभाया वो भी सब बढ़िया था। एक्शन के बारे में क्या कहें? एक्शन तो बहुत भर भर के रखा है उसने जी। मैंने अभी बहुत टाइम बाद मैंने एक्शन में ऐसी मूवी देखी है। मतलब ये कह सकते हैं 2024 में ये बॉलीवुड के पहली अच्छी एक्शन फिल्म है। फिल्म की स्टोरी कैसे, क्या थी? फिल्म की स्टोरी भी अच्छी है, मतलब किसी टाइम पे बोर वैसा कुछ लगा नहीं, एकदम सब सही चलता रहा, मतलब स्पीड में चलते जा रही है। हाँ, उसने अपने भाई के लिए बहुत कुछ किया, वो बहुत अच्छा देखने को लगा। भाई भाई का इमोशन भी अच्छा, भाई का इमोशन वगैरह। अच्छा ये बताइए, अर्जुन रामपाल और विद्युत जम्वाल का फेस ऑफ कैसा लगा दोनों जब मैदान में लड़ते वाला से? दोनों के जैसे बॉडी बिल्डिंग वगैरह दोनों बहुत सही दिख रहे थे। जी जी जी, बहुत अच्छी फाइटिंग चली वहाँ पे भी, बहुत स्टंट हुए, बहुत अच्छी लगी फाइटिंग आखिरी की। मतलब आप ट्रेलर देखकर या जो सोचकर आए थे फिल्म देखने उतना मिला? ज्यादा आपको, मेरे को मिला है, जितना सोचा था उससे ज्यादा एंटरटेनमेंट है। क्या अच्छा लगा, मतलब ज्यादा क्या बढ़िया था इसमें? एक्शन, स्टोरी, एक्शन, जी एक्शन सबसे ज्यादा। अच्छा ऐसा है कि फिल्म में सिर्फ एक्शन ही एक्शन है, इसके अलावा ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी? कॉमेडी भी हुई ना, जैसे एक्शन के बीच में थोड़ी बहुत कॉमेडी, जैसे हंसी भी आई है, वो भी अच्छा लगा। मतलब विद्युत जम्वाल का कैरेक्टर हमने देखा है ट्रेलर में, वैसे भी थोड़ा टपोरे टाइप का, उनके पिछले फिल्मों में सीरियस था, इसमें थोड़ा फंकी है, तो वो अच्छा लगा उनका एकदम से जो चेंज हुआ ना पिछले मूवी से, तो वो अच्छा लगा। तो विद्युत का काम पहले से बेटर हो गया। और अर्जुन रामपाल का काम कैसा था? अर्जुन रामपाल का भी काम बहुत बढ़िया लगा मेरे को उनका, मतलब बहुत दिन बाद मैंने उनकी ऐसी मूवी देखी तो वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ। मतलब ओवरऑल यही कहेंगे कि फिल्म अच्छी है, फिल्म बहुत अच्छी है, मैं रिकमेंड करूंगा कि देखनी चाहिए। क्या क्या अच्छा लगा, रुकिए तो सही, एक्शन, विद्युत का ही एक्शन पसंद आया, अर्जुन का नहीं अच्छा लगा? अर्जुन का भी अच्छा है, और नोरा, नोरा नोरा पहली बार एक्शन कर रही थी, एक्शन कहाँ गया उसने, मतलब एक्शन फिल्म में काम करे उसके साथ, ठीक। स्टोरी के बारे में क्या कहोगे, अच्छी थी, इंगेजिंग टाइप की अच्छी थी, बोर नहीं हुआ कहीं पे, जी जी अच्छी थी स्टोरी। तो फिल्म में सिर्फ एक्शन है या फिर थोड़ा बहुत रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा वगैरह वगैरह? रोमांस तो नहीं है, कॉमेडी है, कॉमेडी। और यह फिल्म की कहानी दो भाइयों की है, तो जो इमोशनल टच है वो फील करवा पाती है फिल्म? इमोशनल टच तो ज्यादा फील नहीं करवा पाती, नहीं बताते ना भाई भाई का प्यार वगैरह, इतना कुछ वो इस तरह से उसको डायरेक्ट नहीं किया गया, लेकिन मूवी एक नंबर है। सर कैसी लगी मूवी? बढ़िया, बहुत बढ़िया फिल्म की, एक्शन है, एक्शन अच्छा है, स्टोरी वगैरह, स्टोरी वैसा कोई काज नहीं लगा, लेकिन एक्शन ठीक है, एक्शन ठीक है। बोर तो नहीं करते कहीं फिल्म? हाँ नहीं, बोर तो नहीं करते। आप ये बताइए, अर्जुन रामपाल और विद्युत, किसकी बॉडी ज़्यादा खतरनाक लगी पड़ते पर? विद्युत की, विद्युत की। दोनों के बीच का मुकाबला था देखने लायक, बराबर का? बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेलर देखा था आपने इसका? नहीं देखा था, डायरेक्ट फिल्म देखने आ गए, फिर भी जितनी उम्मीद लेकर आए थे उतना एंटरटेनमेंट मिला फिल्म में? मिला ना, मिला मिला, तभी तो इतनी देर बैठ के देखा। कैसी लगी मूवी? बढ़िया थी। एक्शन वगैरह कैसा था? बढ़िया था। कहानी? कहानी ठीक ठाक थी। फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में क्या कहूँगा, किसका काम ज्यादा पसंद आया? जामवाल तो बेस्ट है, बेस्ट। अर्जुन रामपाल ने पसंद आया? अच्छा था, उसने भी बढ़िया, मतलब इतनी बराबर की टक्कर दी, टक्कर तो देती, इतनी एज में अच्छी बॉडी बना करना, जी जी बढ़िया। अपन देखते हैं कि ज़्यादातर इसके विद्युत जम्वाल की फिल्मों में सिर्फ एक्शन होता है, इसमें भी एक्शन ही था या फिर स्टोरी, इमोशन सब कुछ भी थी, सब था। फिर कैसी लगी मूवी? एकदम बढ़िया थी। क्या क्या अच्छा लगा फिल्म में? एक्शन, गाने,
स्टोरी में कहीं कहीं दिक्कत थी, पर थोड़े लूपहोल्स थे, हाँ, पर बाकी बढ़िया थी, एकदम मस्त। देखिए ऑडियंस जब थिएटर के अंदर विद्युत जमाल के फिल्म देखने आती है तो माइंड सेट रखते कि भाई फिल्म में हमें नेक्स्ट लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा। आप भी फिल्म देखने के पहले यही सोच के आए होंगे, तो फिल्म देखते वक्त आपको फील हुआ कि जैसा आपने सोचा था उस तरह का एक्शन है फिल्म में? हाँ, एक्शन भरा पड़ा है, पूरी मूवी में एक्शन ही एक्शन, और जो एक्शन ही देखने आए थे। बट कितना अलग है उनके पिछले फिल्मों से, कितना अलग है? देखो बाकी मूवियों में एक्शन उतना मतलब कंटिन्यूसली नहीं आता, जी जी, मतलब बीच बीच में आते हैं, इसमें पूरी मूवी में एक्शन ही एक्शन। मतलब जो एक्शन फिल्मों के फैंस है उनके लिए तो फिल्म परफेक्ट है। हाँ, एक्शन तो एक्शन के लिए कोई आएगा तो उसको पसंद आएगी। कैसी लगी पिक्चर? पिक्चर मुझे बहुत बढ़िया लगी, मज़ा आ गया एक्शन देखते हुए विद्युत जामवाल को। मतलब अगर आप जिन लोगों को स्क्विड गेम जैसी गेम मतलब सीरीज पसंद है या फिर मैड मैक्स लेवल जैसी मूवियाँ पसंद है तो वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा बॉलीवुड में भी। अच्छा, फिल्म में विद्युत जामवाल का एक्शन उनकी पिछले फिल्मों से कितना अलग था? काफ़ी अलग था, मतलब मुझे कमांडो फर्स्ट में एक्शन अच्छा लगा था, सेकेंड और थर्ड में अच्छा नहीं लगा था, पर जो कमांडो फर्स्ट में जो एक्शन लगता है ना वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिल्म में उनके सामने है अर्जुन रामपाल, तो अर्जुन रामपाल और विद्युत जमवाल की जो केमिस्ट्री है, मतलब कि जो फेस ऑफ है इनके बीच का एक्शन है, वो कैसा था? वो आपने फोर्स मूवी आई होगी देखा होगा, देखा जब दोनों सामने आते जी, उस लेवल का ही उससे मतलब डबल मिला। और मुझे मतलब दोनों के ऐसे बॉडी दिखते पता नहीं चलता कि किसकी बॉडी ज्यादा अच्छी है। अच्छा अच्छा, दोनों का एक्शन लेवल एक नंबर लगा। फिल्म की कहानी कैसी क्या थी? कहानी तो ट्रेलर में जो दिखा दी गई कि वो अपने गेम में चले जाता भाई के बदला लेने के लिए, पता करने के लिए मेरे भाई को क्या हुआ, तो वही का वही दिखाया कहानी में। अच्छा, 2 घंटे 36 मिनट की फिल्म है, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की, तो ये बताओ फिल्म कहीं बोर तो नहीं करती? नहीं, जिन लोगों को एक्शन लेवल पसंद है तो उनको मजा आएगा देखने में मूवी। ट्रेलर में हमने देखा कि थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है, तो फिल्म में कॉमेडी थी? मतलब आपको वो हंसाएगी ना, हल्के से स्माइल लेके जाएगी। जी जी जी, हाँ। और फिल्म में नूरा फतेही, अर्जुन रामपाल, इनका काम कैसा लगा? नूरा फतेही का भी अच्छा लगा, मतलब जो बोलती है ना तो उसके बोलने पे यूं ही हंसी आ जाएगी आपको। और नूरा फतेही का भी एक्शन देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार कर रही है एक्शन, अच्छा काम था। हाँ, दोनों का इमेज एक्शन, नूरा फतेही का भी सबसे बढ़िया। मेरे को अगर नेगेटिव रोल में आप देखोगे अर्जुन रामपाल को, तो बेस्ट काम लगा मुझे इसकी फिल्म में। मतलब मैंने बहुत कम अर्जुन रामपाल की मूवियाँ देखी है, पर इसमें मेरे को सबसे बढ़िया काम लगा इसका। और ऑल आउट ऑफ 5 कितने देंगे? मैं तो 5 दूंगा मूवी को। और विद्युत जमवाल के परफॉर्मेंस को? उसको भी 5 में से 5, अर्जुन रामपाल को भी 5 में से 5। तो दोस्तों देखा आपने, क्रेक फिल्म के जो पब्लिक रिव्यूज है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। जितने भी ऑडियंस फिल्म देखकर आई है सबको ये मूवी पसंद आई। फिल्म की स्टोरी, फिल्म का स्क्रीन प्ले, फिल्म का डायरेक्शन या फिर फिल्म का एक्शन, सभी पब्लिक को बहुत पसंद आया है। तो फाइनली विद्युत जमवाल ने 2024 की शुरुआत में पहली ही शानदार फिल्म दे दी है जो लोगों को पसंद आ रही है। तो अब देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल करती है। वैसे दोस्तों, अगर आप क्रेक फिल्म देखकर आ चुके हो तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए और पब्लिक रिव्यूज देखने के लिए आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।